हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये फ्लॉलेस मेकअप लुक जो कि आप किसी भी ओकेशन में क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको मेकअप करना नहीं आता, मेकअप में बिगनर हो, फिर भी आप ये मेकअप लुक काफ़ी इजी एंड सिंपल तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर जो कि आपको आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड आपके जो पोर्स है उसको भी ब्लर आउट करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेस के लिए ले रही हूँ फाउंडेशन जो कि मिला आपका है। एंड इसमें जो मेरा शेड है वो 01 एवोरी शेड है। एंड ये मेरा शेड नहीं है, गलती से मैंने ख़रीद लिया तो अभी यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड इसे एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो डैम्बिटो ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। आप जिस भी ब्रश में या टूल्स में ब्लेंड करने में कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक और बार ब्लेंड करा ताकि जो ब्रश के मार्क्स है वो ना दिखे। एंड इसे अच्छी तरह से डैप डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं अपनी आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ पे एक ब्लैक शेड ले रही हूँ। आप चाहे तो ब्राउन शेड भी ले सकते हो। आपके आईब्रो का जो भी शेड है अगर वो ब्लैक है तो ब्लैक यूज़ कीजिएगा, अगर ब्राउन है तो ब्राउन यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं किस ब्यूटी की पैलेट में से कंसीलर शेड ले रही हूँ एंड अपनी आई लिड पे एंड डार्क सर्कल पे लगा रही हूँ। हालांकि मेरे को इतने डार्क सर्कल नहीं है बट मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया है। एंड एक ब्रश के हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईब्रो के अराउंड एंड डैम्बिटो ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से डैप डैप करके ही ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का फ्लॉलेस HD फिनिशिंग लूज पाउडर। काफ़ी अच्छा लूज पाउडर है एंड अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है। एंड इसे अपना पूरा बेस सेट कर रही हूँ, अपना पूरा चेहरा सेट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक पीच एंड हॉट पिंक शेड लेकर दोनों को मिक्स करा है अपनी फुल आई लिड पे। आप चाहे तो आपका कोई भी मन पसंदीदा आई शेडो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हॉट पिंक शेड लिया है। आपके ड्रेस से मैच होता कोई भी आप शेड ले सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे वही सेम कंसीलर यूज़ करा है एंड हाफ आई लिड पे लगाया है। एक कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ मैं। अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल सा आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक पीची पिंक कलर का शिमर शेड लिया है एंड मैंने हाफ आई लिड पे ब्लेंड करा है। प्रेस किम्बोर का आई लाइनर ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा आई लाइनर है। विंग आई लाइनर ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी होती है एंड उसे एक विंग आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत छोटा ही विंग ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे एंड बहुत पतला ही कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ADS का काजल यूज़ कर रही हूँ एंड उसके बाद मस्कारा भी यूज़ करा है। जो भी फॉल आउट हुआ होगा उसे हम डस्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कॉन्टोर शेड लिया है एंड उसे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ नोज़ पे एंड वहाँ जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पर वहाँ मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग करी है। एंड उसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्रश के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यूज़ करा है थोड़ा सा कंसीलर अपनी नोज़ पे एंड अच्छी तरह से सब ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे वही जो मैंने आई मेकअप में शेड लिया था वही शेड एज अ ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी नेचुरल लग रहा है। एलेरी लोडा का हाइलाइटर यूज़ करा है, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा है मिलाप की लिपस्टिक इन द शेड टॉप नॉट 511। काफ़ी अच्छी मैट लिपस्टिक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना।